हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल क्रिकेट अपडेट्स में। अगर आप अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। 40 की धोनी ने कप्तानी छोड़ी। आईपीएल से दो दिन पहले सीएसके की कमान जडेजा को सौंपी। 14 साल में पहली बार टीम का कप्तान बदला। महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल के पहले सीजन से चेन्नई के कप्तान थे। उनकी कप्तानी में टीम 2010, 11, 18 और 21 में चैंपियन बनी थी। धोनी ने खुद से कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। वो आईपीएल के 15वें सीजन में बतौर खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे। आईपीएल 2022 के शुरू होने में महज दो दिन का समय बाकी है, लेकिन उससे पहले महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर से चौंकाने वाली फैसला किया है। उन्होंने टीम को ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी सौंप दी है। धोनी ने खुद से कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। वो आईपीएल के 15वें सीजन में बतौर खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे। गत चैंपियन चेन्नई को 26 मार्च को कलकत्ता के साथ वानखेड़े स्टेडियम में पहला मुकाबला खेलना है, लेकिन उससे पहले चार बार की चैंपियन सीएसके में ये एक बड़ा बदलाव हुआ है। सीएसके की तरफ से गुरुवार को जारी आधिकारिक बयान में कहा गया, महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ दी है और रविंद्र जडेजा को टीम की कमान सौंपने का फैसला किया है। जडेजा जो 2012 से टीम का अहम हिस्सा हैं, वो सीएसके के सिर्फ तीसरे कप्तान हैं। धोनी इस सीजन और इसके आगे भी चेन्नई का हिस्सा बने रहेंगे। सीएसके ने इस बार आईपीएल नीलामी से पहले धोनी जडेजा समेत चार खिलाड़ियों को रिटेन किया था। जडेजा को फ्रेंचाइजी ने 16 करोड़ रुपये में सबसे अधिक पैसे के साथ रिटेन किया था, लेकिन धोनी को इस सीजन के लिए 12 करोड़ रुपये में ही रिटेन किया गया। इस बात की अटकलों लगाई जा रही थी कि जडेजा को कप्तान बनाया जा सकता है।